अभी तक रुझानों में एनडीए गठबंधन के जादुई आंकड़े पर पहुंच गई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचा। इसे पूरी स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए, फुल स्क्रीन पर लेकर के आए इस खबर को। 122 बहुमत का जादुई आंकड़ा, यानी एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े को टच कर गया है। हालांकि अभी भी क्लोज फाइट है, कभी कोई आगे निकल रहा है, कभी कोई पीछे जा रहा है। महागठबंधन पीछे हो गया है, महागठबंधन का जो आंकड़ा है 100 का है। राणा जी अपनी बात पूरी करें। ईवीएम चलने शुरू हो जाते हैं और लगभग 2 घंटे हो गए हैं, ये स्थितियां अब बहुत बदलने वाली नहीं है, मान करके चलिए। अब अगले 1 घंटे में जाकर के सेटल हो जाना चाहिए। तो अब एनडीए के पास जो लीड आपको दिख रही है, उस लीड में कमी नहीं हो सकती। वो 2-4-5 सीटों का होगा, लेकिन स्थितियां अब कमोबेश यही आपको दिखेंगी। एक ऐसी सरकार जिसको बनाए रखने के लिए एलजेपी और अदर्स की जरूरत एनडीए को पड़ सकती है। वहां सीटों की खींचतान होगी, खरीद फरोख्त होगी, लोगों को मनाया पटाया जाएगा, सरकार बनाया जाएगा। लेकिन एनडीए अगर सबसे बड़ा घटक दल रहता है, सबसे बड़ा गठबंधन रहता है, तो फिर राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन को बुलाते हैं और एनडीए ही जाएगा सरकार बनाने के लिए आगे। और मुझे लगता है कि अभी 122 का आंकड़ा उसके पास है, एलजेपी के पास 5 है। तो अगर एनडीए जो दिल्ली में आपको दिखता है, जिसमें एलजेपी भी है, जेडीयू भी, बीजेपी है, तो उसके पास बहुमत है और वो सरकार अभी बना रहा है, जो मौजूदा आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके मुताबिक। एक जर्नलिस्ट के तौर पर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं हो सकता। रामदेव यादव जी, ये तो वही वाली बात है कि बिहार में अभी तक हम ये पूछ रहे थे कि बिहार में काबा, और बिहार ने ये बता दिया, बिहार में ईबा, बिहार में ऊबा।